दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। मेरे पास आज Redmi Note 10 मौजूद है। Xiaomi.EU ROM जो कि डेवलपर टीम है उन्होंने 13.0.9 जो है वो रिलीज़ कर दिया है और कस्टम रिकवरी जो है वो भी फाइनली पोर्ट हो गई है एंड्रॉयड 12 के लिए। तो मैंने आज कस्टम रिकवरी फ्लैश कर दी है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी मैंने Xiaomi.EU ROM भी फ्लैश कर दिया है। स्टॉक ROM जो है 13.0.9 ऑल्सो रिलीज फॉर द Redmi Note 10। सो बाय फ्लैशिंग द Xiaomi.EU ROM आई एम गेटिंग मी डायलर और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है। मी डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास जो है इस रॉम में मी SMS एप्लीकेशन मौजूद है। कॉन्टैक्ट्स अपनी जगह पे परफेक्टली काम कर रहा है जी और फाइल्स मैनेजर भी एक बार आपको ओपन करके दिखाता चलूं जी। एंड इफ़ आई गो फर्दर टैपिंग ऑन कैलकुलेटर यस एंड क्लॉक एब्सोल्युटली वर्किंग परफेक्टली। इसके अलावा थीम्स यस यू कैन डाउनलोड द थीम्स वट एवर यू लाइक You can simply set it on your Redmi Note 10. अच्छा जी अब ज़रा सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता चलूँ my device and this is Xiaomi .eu ROM 13.0.9. This is not a fast boot ROM. This is a recovery ROM which has to be flashed via custom recovery. If I go further on tapping on all specification, this is the all specification of my mobile phone. Android version, Android 12, Xiaomi.eu, right? इसका नोटिफिकेशन बार यहाँ पर तब्दीली आ गई है आप खुद देख सकते हैं और इसके अलावा ये बाकी जो है वही चीज़ है। और रोम मैंने अभी जो टेम्परली चेक की तकरीबन सारी चीज़ें जो वर्क कर रही हैं आई मीन टू से डायलिंग और इंटरनेट सिग्नल कमिंग इन गुड स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो बैटरी टाइमिंग ऑल्सो गुड। और इसके अलावा कैमरा एक नज़र आपको दिखाता चलूँ कैमरा वही स्टॉक कैमरा है जो कि आपको जो है मिलता है आम जो कि स्टॉक रोम में हो गया या Xiaomi.EU ROM राइट। अच्छा जी इसके अलावा जो है आप अगर मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये भी बताता चलूं कि ये रोम कैसे फ्लैश होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। और अब ये बताता चलूं कि मैं आपको ज़रा कस्टम रिकवरी भी बूट करके दिखाता चलूं right and if you can see that I have already 13.0.9 the stable version. If I tap on the check for updates it will say you are up to date and now main yahan pe tap karunga and I will tap on reboot to recovery mode yes tap yes and the set will start booting into custom recovery team win recovery 3.6.2-12.0 is the version of custom recovery that I already having it on my Redmi Note 10. So the set is ready to go. तो आज की वीडियो जो है एक छोटे सा रिव्यू था जो मैंने करके दिखाया Xiaomi.EU ROM 13.0.9 जो कि मैंने फ्लैश किया है कस्टम रिकवरी की मदद से Redmi Note 10 पे जो कि बेहतरीन काम कर रहा है। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सून मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ट्यूटोरियल आसान ट्यूटोरियल होगा ताकि आप आसानी से फ्लैश कर सकें और अपने Redmi Note 10 को अपडेट कर सकें 13.0.8 से 13.0.9 टू गेट मी डायलर एंड मी SMS एप्लीकेशन ऑल्सो द कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा आपसे फिर मुलाकात होगी खुदा हाफिज़।